हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू और भिंडी की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे मैंने भिंडी ली है जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इस तरह से आपको भी काटना है। और यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको भी मैंने पतला पतला छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और दो प्याज लिए हैं, लंबे लंबे मैंने काट लिए हैं। अब यहाँ पे मेरा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं डालूँगी साबुत जीरा और इसमें राई के दाने। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे जब तक ये थोड़ा ब्लैक ना हो जाए। और यहाँ पे मैं प्याज को ऐड कर रही हूँ, प्याज को मैं ब्राउन होने तक भून लूँगी। थोड़ा सा पका लेंगे प्याज को। इसे पकाने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू को पका लूँगी यहाँ पे। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से आलू जल्दी गल जाएंगे। इसे हमने आधा पका लेना है। यहाँ पे आलू आधे पक चुके हैं। अब इसमें मैं भिंडी को ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं सब्जी मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं आप। और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के मैं 2-3 मिनट तक पका लूँगी। अब मैं चेक कर लूँगी, ये पका नहीं है अभी। अब यहाँ पे ये बिल्कुल पक चुका है और ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे रोटी के साथ, परांठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है खाने में। इसमें टमाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।